मनाली हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड इंडिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। माइटी हिमालयस की गोद में बसा ये शहर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और साथ ही अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों की तादाद में सैलानी यहाँ पहुँचते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ का रिच और ट्रेडिशनल कल्चर। तो अगर आप भी अपने नेक्स्ट हॉलीडेज के लिए मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 10 ऐसी जगहें जिन्हें आप मनाली आने पर कभी मिस नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहली जगह जिसे आप मनाली आने पे कवर कर सकते हैं वो है द माइटी रोहतांग पास। मनाली से 61 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये माउंटेन पास कनेक्ट करता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से। जब अटल टनल नहीं बनी थी तब सिर्फ रोहतांग पास ही एकमात्र रास्ता होता था लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंटर करने के लिए। मई जून के महीने में जब पूरा भारत गर्मी से झुलस रहा होता है, उस वक्त आपको रोहतांग पास में 6-6 फुट ऊंची आइस वॉल्स देखने को मिल जाएगी और यही चीज रोहतांग पास को मनाली की टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में शुमार करती है। और साथ ही मनाली से रोहतांग पास की कार ड्राइव को इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल कार ड्राइव में सबसे ऊपर रखा जाता है। तो अगर आप भी मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो रोहतांग पास को हमेशा अपने लिस्ट पे रखें। जोगनी वाटरफॉल्स मनाली में वशिष्ठ विलेज से 2-3 घंटे की ट्रैकिंग डिस्टेंस पे सिचुएटेड ये वाटरफॉल मनाली के मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स में से एक है। इस जगह को और खास बनाता है एक ब्यूटीफुल ट्रैकिंग एक्सपीरियंस जो कि मनाली के डेंस देवदार ट्रीज से होके गुजरता है। तो अगर आप भी मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको एक दिन स्पेयर रखना होगा इस ब्यूटीफुल वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड ट्रस्ट अस गाइस, अगर आप इस जगह को एक्सप्लोर किए बिना वापस चले जाते हैं तो आपका मनाली का ट्रिप इनकम्प्लीट माना जाएगा। तीसरे नंबर पे है द फेमस अटल टनल, जो कि मनाली से 28.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। अटल टनल की सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है जो कि 10,000 फीट अबव द सी लेवल पे सिचुएटेड है। अटल टनल की अप्रॉक्सीमेट लेंथ 9 किलोमीटर के आसपास है और ये कनेक्ट करती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से, जहां पहले लाहौल स्पीति जाने के लिए आपको 5-6 घंटे का वक्त लग जाता था, अब वही सफर आप लगभग आधे घंटे में पूरा कर सकते हैं। अटल टनल एग्जाम्पल है एक मार्वलस इंजीनियरिंग का और इसे क्रॉस करना अपने आप में ही एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और इस ब्यूटीफुल टनल को क्रॉस करने के बाद आप पहुंचते हैं द ब्यूटीफुल टूरिस्ट विलेज सिसु में, जहां पे आप हेलीकॉप्टर राइड्स और बोटिंग का मजा ले सकते हैं। चौथे नंबर पे है अंजनी महादेव, जो कि मनाली में सोलांग वैली से आधे घंटे से एक घंटे के ट्रैकिंग डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। अंजनी महादेव मनाली की टॉप अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सोलांग वैली और मनाली तो घूमते ही हैं लेकिन इस जगह को स्किप कर जाते हैं। तो अगर आप भी मनाली या फिर सोलांग वैली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस जगह को अपनी विश लिस्ट में ज़रूर डाल लेना, क्योंकि ये एक बिगनर ट्रैक होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन भी है और यहाँ पे आप लॉर्ड शिवाजी के टेंपल के दर्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ की सबसे खास बात है यहाँ की शिवलिंग, जिस पे एक वाटरफॉल से नेचुरली पानी गिरता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप मनाली में रह के कवर कर सकते हैं वो है द सेथन विलेज, जिसे इग्लू विलेज के नाम से भी जाना जाता है। मनाली से सेथन लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है और ये वही विलेज है जहां पर सबसे पहले इग्लूज बनाए गए थे और उसके बाद इस विलेज को इतना फेम मिला कि आज ये मनाली की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आता है। तो अगर आप भी मनाली में आके एक बेहतरीन स्नो का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो सेथन विलेज आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन रहेगी। और इसके साथ साथ आप यहां पे एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि स्नो स्लाइडिंग, स्कीइंग और स्नो बाइकिंग का आनंद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप मनाली में रह के कवर कर सकते हैं वो है द फेमस ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली की सबसे खास बात है यहाँ की ग्रेफिटी लेन्स और कैफेज,
ओल्ड मनाली में आपको मनाली के सबसे बेहतरीन कैफेज मिलेंगे, चाहे वो सनशाइन कैफे हो या फिर लेजी डॉग। एक और जगह जिसे आप ओल्ड मनाली में कवर कर सकते हैं वो है द फेमस मनु टेम्पल। मनु टेम्पल मनाली माल रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और आप ये डिस्टेंस लगभग वॉक करके आधे से एक घंटे में आराम से कवर कर सकते हैं। एक और चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि मनाली का नाम भी मनु ऋषि जी के नाम पे पड़ा है और उन्होंने कई साल तक इसी जगह पे तपस्या भी की थी। तो अगर आप भी मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ओल्ड मनाली और मनु टेम्पल आपको अपनी विश लिस्ट में जरूर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जगहें इतनी खूबसूरत हैं कि ये आपका दिल जरूर जीत लेंगी। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप मनाली में रह के कवर कर सकते हैं वो है द फेमस सोलांग वैली। सोलांग वैली मनाली से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है और सोलांग वैली का हर मौसम में अपना ही एक नज़ारा होता है। जहाँ सर्दियों में ये आपको देगी एक वंडरफुल स्नोफॉल एक्सपीरियंस, वहीं गर्मियों में इसके लश ग्रीन पेस्चर्स एक अलग ही रूप में होते हैं। सोलांग वैली में आप बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद भी ले सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, स्कीइंग, और अगर सही मायनों में समझा जाए तो सोलांग वैली को मनाली की हार्टबीट भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप मनाली में रह के कवर कर सकते हैं वो है बरोड़ पार्शा वाटरफॉल, जिसका नाम इसके आसपास बसे हुए दो गांव के नाम पे रखा गया है। यह वाटरफॉल मनाली से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और यहाँ पहुंचने के लिए आपको कन्याल रोड लेना होगा। बरोड़ पार्शा वाटरफॉल को रिसेंटली इको टूरिज्म के अंडर हिमाचल सरकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। तो सबसे खास बात इस वाटरफॉल की ये है कि ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, और अगर आप मनाली में एक अनएक्सप्लोर्ड सी जगह घूमना चाहते हैं तो पार्शा वाटरफॉल आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप मनाली की ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है द फेमस हडिम्बा टेम्पल, जो कि मनाली माल रोड से आधे से एक घंटे की वॉक पे सिचुएटेड है। हडिम्बा टेम्पल वर्शिप प्लेस है गॉडेस हडिम्बा का, और ये पगोड़ा शैली में बनाए गए हिमाचल के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। हडिम्बा टेम्पल के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी यहाँ की पुजारी जी ने। ये माता हडिम्बा जी का स्थान है जी, ये तपोस्थली है माता हडिम्बा की। महाभारत काल में देवी ने यहाँ पे युद्ध के बाद इधर तप किया और तप त्याग से देवी रूप में आई है। तो ये जो स्थान है यहाँ पे माता जी के चरण दर्शन है, पिंडी दर्शन है और मूर्ति दर्शन भी है, तीनों रूप में यहाँ पे देवी के दर्शन है। बाकी जो युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद देवी ने जब धर्म के लिए सब कुछ अपना त्याग दिया, अपना पुत्र अपना पौत्र सब कुछ जब दे दिया था, तो उसके बाद देवी ने यहाँ पे आके तप किया और तप त्याग से अपने शक्ति रूप में वापस आई है। उसके पश्चात देवी यहाँ पे शक्ति रूप में ही पूजी जाती है, उसके बाद से काली दुर्गा के स्वरूप में पूजा जाता है माता जी को। बाकी जो ये मंदिर है ये कुल्लू के राजा बहादुर सिंह जी द्वारा बनवाया गया 1553 में। तो गाइज ये थी मनाली की कुछ 10 खूबसूरत जगहें जिन्हें आप अपने नेक्स्ट ट्रिप पे कवर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जगहें हैं जैसे कि नगर पैलेस, जाना वाटरफॉल्स, वशिष्ठ विलेज, जिसे हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए, और हम कोशिश करेंगे कि अपकमिंग वीडियोस में उन जगहों को भी कवर करें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना।